दोस्तों, देव हेल्थ टिप्स में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे जी मचलाना, जिसको मतली आना भी कहते हैं। जी मचलाना ऐसे लगता है जैसे उल्टी सी होने लगती है। दोस्तों, हम आज आपको इसी के बारे में बताने वाले हैं। जिन लोगों ने हमारे चैनल देव हेल्थ टिप्स को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि आपको समय समय पर हमारे नए नए वीडियोस मिलते रहें और आप उनसे लाभान्वित हो सकें। दोस्तों, जी मचलाना ये एक बहुत आम समस्या है जो बहुत से कारणों से हो सकती है। आम तौर पर जब जी मचलाता है तो ऐसा लगता है हमें उल्टी आने वाली है या उसका एहसास होता है, पर कुछ समय में यह अपने आप ही ठीक हो जाता है। पर अगर यह समस्या एक सीमा से अधिक हो रही है तो आपकी सेहत के लिए बहुत बुरी साबित हो सकती है। दोस्तों, जी मचलाना एक शब्द है जो इस भावना का वर्णन करता है कि आपको उल्टी हो सकती है। जिन लोगों को यह समस्या होती है उन्हें इस समय थोड़ी असहजता महसूस होती है, जिससे अक्सर क्लैमी त्वचा, चिड़चिड़ाहट और पेट में थोड़ी सी घुटन महसूस होती है। जी मचलाने की समस्या आमतौर पर उल्टी से पहले होती है, पर बहुत बार ऐसा होता है काफ़ी लंबे समय तक आपका जी मचलाता रहेगा, पर यह ज़रूरी नहीं कि आपको उल्टी आएगी ही। जी मचलाना एक आम लक्षण है जो कई बीमारियों के साथ हो सकता है। जी मचलाना या मतली आने के सामान्य कारणों में किसी दवाई का साइड इफ़ेक्ट, गंदा खाना खाने की वजह से, प्रेगनेंसी की वजह से और बहुत अधिक शराब पीना शामिल है। कभी कभी बहुत गंदी बदबू की वजह से भी जी मचलाने की समस्या हो सकती है। जी मचलाने का समस्या का एक मुख्य कारण पेट की बेचैनी और उल्टी की इच्छा होना भी होती है। दोस्तों, उल्टी के दौरान न चाहते हुए भी पेट की सामग्री मुंह और नाक से बाहर निकल जाती है। अंग्रेजी में इसे नाजिया कहते हैं। कई जगह स्थानीय भाषा में इसे उबकाई, मछली या मितली भी कहा जाता है। जी मचलाना और उल्टी जैसी समस्याएं किसी भी उम्र में हो सकती हैं, लेकिन बचपन में ज़्यादा होता है, क्योंकि इस अवस्था में खाने पीने पर काबू नहीं रहता है। ज़रूरत से ज़्यादा खाने पर पेट फूल जाता है और जी मचलाने लगता है। ऐसी स्थिति में उल्टी होती, उल्टी के बाद ज़रूरत से ज़्यादा भरे हुए खाद्य पदार्थ विकृत रूप से पेट से बाहर निकल जाते हैं और उसके बाद सुस्ती छा जाती है। उल्टी हो जाने के बाद शरीर को राहत मिलती है। दोस्तों, हम इसके कुछ उपाय बताने जा रहे हैं आपको, जिससे इसकी समस्या से निजात पाया जा सकता है। ये कुछ घरेलू उपाय हैं। अदरक, दोस्तों अदरक में एंटीमेटिक गुण होते हैं। एंटीमेटिक एक ऐसा पदार्थ है जो उल्टी और चक्कर आने से बचाता है। जी मचलाने पर अदरक की गोलियां या फिर अदरक की चाय का सेवन करें, इससे आपको उल्टी नहीं होगी। अगर हो सके तो अदरक अपने साथ ही रखें। अगर घबराहट हो तो इसे थोड़ा थोड़ा खाते रहें। दोस्तों, नींबू एक असरदार औषधि है। इसके मौजूद सिट्रिक एसिड उल्टी और जी मचलाने की समस्या को रोकते हैं। एक छोटे कप में गर्म पानी लें और उसमें एक नींबू का रस व थोड़ा सा नमक मिलाएं। इसे अच्छे से मिलाकर पिएं, या आप नींबू के रस को गर्म पानी मिलाकर या शहद डालकर भी पी सकते हैं। यात्रा के दौरान होने वाली परेशानियों को दूर करने का यह एक कारगर इलाज है। दोस्तों, इलायची जी मचलाने से राहत देने में काफ़ी असरकारक होती है। जी मचलाने या उल्टी के दौरान जैसे ही आपको बेचैनी महसूस हो तो आप एक या दो इलायची अपने मुंह में लेकर धीरे धीरे चबाएं, इससे आपको राहत मिलेगी। दोस्तों, पुदीना पेट की मांसपेशियों को आराम देता है। पुदीने का तेल भी उल्टियों को रोकने में बेहद मददगार है। इसके लिए रुमाल पर पुदीने के तेल की कुछ बूंदें छिड़कें और उसे सूंघते रहें। सूखे पुदीने के पत्तों को गर्म पानी में मिलाकर खुद के लिए पुदीने की चाय बनाएं। इस मिश्रण को अच्छे से मिलाएं और इसमें एक चम्मच शहद मिलाएं। कहीं निकलने से पहले इस मिश्रण को पिएं। लौंग, जैसे ही आपको लगे जी मिचलाने लगा है तो आपको तुरंत ही अपने मुंह में लौंग रखकर चूसनी चाहिए। ऐसा करने से आपका जी मिचलाना बंद हो जाएगा।
दोस्तों, दालचीनी भी मतली आने में और उल्टी में बहुत ही कारगर साबित होता है। दोस्तों, एक कप गर्म पानी में एक या आधा चम्मच दालचीनी पाउडर डालें। अगर आपके पास पाउडर नहीं है तो बस दालचीनी की लकड़ी का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इस पानी को कुछ मिनट तक उबलते रहने दें, फिर इस मिश्रण को छान लें। आप इसमें एक चम्मच शहद मिला लें। अब इस मिश्रण को आराम आराम से पिएं। ध्यान रहे, ये उपाय गर्भवती महिलाओं के लिए बिल्कुल भी उपयुक्त नहीं है। दोस्तों, जीरा भी उल्टी के लिए सबसे अच्छा और सबसे आसान घरेलू उपाय है। ये पैंक्रियाटिक एंजाइमों के स्त्राव को उत्तेजित करता है। पाचन संबंधी समस्याओं के लिए जीरा बेहद उपयोगी होता है। दोस्तों, जीरे का इस्तेमाल करें। एक या आधा चम्मच जीरे के बीज को गर्म पानी में मिलाएं और मिलाने के बाद मिश्रण को छान लें और पी जाएं। दोस्तों, आप इसको एक और तरीके से भी कर सकते हैं। इसके अलावा आप एक चम्मच जीरे के बीज और जायफल की एक चुटकी को गर्म पानी में डाल दें। कुछ मिनट के लिए इस मिश्रण को उबलते रहने दें। उसके बाद इस मिश्रण को ठंडा होने के बाद छान लें और छान कर इसको पी जाएं। इससे भी काफ़ी हद तक आपको जी मचलाने की समस्या से निजात मिल जाएगा। दोस्तों, प्याज के जूस में प्राकृतिक एंटीबायोटिक गुण होते हैं जो मतली और उल्टी जैसी समस्याओं को कम करने के लिए काफ़ी मददगार होते हैं। दोस्तों, एक चम्मच प्याज के जूस के साथ एक चम्मच पिसा हुआ अदरक मिलाएं। उल्टी का इलाज करने के लिए नियमित अंतराल पर इस मिश्रण का प्रयोग करते रहें। इसके अलावा दो चम्मच शहद को एक या आधा चम्मच प्याज के जूस के साथ मिलाएं और इस मिश्रण को जब आपको ज़रूरत हो तब आप पी सकते हैं। तो दोस्तों, आज की हमारी ये जानकारी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे वीडियोज को लाइक और शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी इस समस्या से निजात पा सकें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। राधे राधे।